एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांवों से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान देते। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा लोगों को बुद्ध के पास जाते देख एक दुखी भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उन महात्मा के पास गए थे, और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, जरा मैं भी जाकर देखूं कि वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है इन लोगों को। वे इतने प्रसन्न हुए कि उनके चेहरे लाल हो गए। जब वो दुख भिखारी कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी इन महात्मा को अपना दुख बताऊं, मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने